गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मेरा प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो चुका है स्टोमेटोलॉजी का। दोपहरे उतरा कभी, आज जो है ना बहुत सुबह सोकर उठ गया, बहुत जल्दी नींद खुल गया एक्चुअली। तो है ना आज सुबह सुबह उठ कर ना फ्रेश होकर एकदम फ्रेश माइंड से नहा कर जो है ना अभी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो अभी तो ब्रेक चल रहा है, अभी टीचर 10 मिनट का ब्रेक दिया कि थोड़ा चाय कॉफ़ी जिसको पीना है पी लो। तो मैं तो कॉफ़ी तो सुबह सुबह ही जल्दी उठा था तो कॉफ़ी बना कर पी लिया था। मैं चलो भाई अभी थोड़ा जो है ना 10 मिनट के ब्रेक में जो है ना ब्लॉग बना ले। तो अभी प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, फिर इसके बाद जो है ना लेक्चर स्टार्ट होगा। आज जो लेक्चर आप टीचर पढ़ाएगी वो लेक्चर जो है ना कल के प्रैक्टिकल लेसन में उसको जो है ना डिस्कस करेगी। तो अभी चलते हैं, फिर अभी क्लास अटेंड करते हैं। इस तो मैं तो लोकिया है तो आज ज़्यादा नहीं, आज इंट्रोडक्शन वगैरह बता रही क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है, इस तो मैं तो लोकिया होता क्या है, बस यही सब है और कुछ नहीं है। इसमें तो लोग क्या समझो ना, एक डेंटल मींस टीथ से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीथ, जो भी डिजीज हो जो है ना। आज का क्लास क्या हो गया कंप्लीट। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना मैं सो गया था, जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ और अभी जो है ना टेस्ट करना है। पता है यहाँ क्या लोचा है, हर एक सब्जेक्ट में जो है ना जैसे आज जो टीचर पढ़ा है उसका टेस्ट होता है, तो अभी 2 टेस्ट पे देना है, ऑनलाइन ही देना है अभी। अगर ये अगर क्लासेज ऑनलाइन नहीं होता ना तो ऑफलाइन में पता है टीचर जो है ना जैसे आज जो पढ़ाए उसका क्वेश्चन जो है ना कल की क्लास में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो अभी तो क्लासेस क्या चल रहा है ऑनलाइन, तो अभी जो है ना डेली हर एक सब्जेक्ट का जो है ना डेली टेस्ट, जैसे अभी यूरोलॉजी जो ख़त्म हुआ उसका भी डेली टेस्ट और टास्क था। टास्क में जो है ना जैसे केसेस दिए रहते हैं पेशेंट का, उसका एनालाइज करके जो है ना उसके हिसाब से पूरा लिखना रहता है वो। तो अभी जो है स्टोमेटोलॉजी में टास्क तो नहीं मिला है, टेस्ट मिला है, तो अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट करने। फाइनली जो है ना मेरा टेस्ट कम्प्लीट हो गया, ये फर्स्ट टेस्ट था। ये देखो माह 3 घंटे के लिए ओपन होता है, 16 फरवरी 6 बजे ओपन होता है और 9 बजे क्लोज हो जाता है। तो मैं तो कर लिया, 15 मिनट का था और मार्क्स ये रहा ग्रेड 10 out of 9 आ चुका है। तो अच्छा है भाई, 10 out of 10 कैसे, इतना आसान नहीं होता। 10 out of 10 out of 9 है, वो भी जो है ना 5 के इक्वल ही होता है। तो ये हो गया, ये देखो टेस्ट नंबर 1 था। देखो डेली जो है ना डेली क्लास का टेस्ट होता है, और ये देखो फिर टेस्ट नंबर 2 है, ऐसे करके जो है ना सब मींस जितना क्लास रहता है ना उतना ज़्यादा टेस्ट। देखो टेस्ट 2, 3, 4, 5। जो मैं टेस्ट दिया हूँ ना वो 15 मिनट का था, ऑब्जेक्टिव था इसमें। तो पता है जो अभी इंडिया में आने के बाद हम लोग को नेक्स्ट का भी एग्ज़ाम देना, आप लोग बहुत पूछते रहते हो कि भैया नेक्स्ट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है नहीं, आप लोग पूछते रहते हो ना हमेशा भैया नेक्स्ट एग्जाम का क्या प्रिपरेशन होगा, कैसे क्या करना है। तो देखो अभी डेली मैं टेस्ट देता हूँ, ऑब्जेक्टिव जो आज पढ़ाया गया उसी पे जो है ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। तो इस टेस्ट को जो है ना अगर कंटिन्यू रखेंगे, अगर अच्छे से टेस्ट देंगे, सब अच्छे से पढ़ कर अगर अच्छे से पढ़ कर अगर टेस्ट देंगे तो नेक्स्ट उतना हार्ड नहीं है क्वालिफाई करना, इजीली आप क्वालिफाई हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे, उतना हार्ड नहीं रहता। लेकिन आपको डेली जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है जैसे ये ऑब्जेक्टिव है वहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, तो अभी से प्रैक्टिस करो। हाँ लेकिन जो है ना ये नहीं कि जो मैं जो अभी टेस्ट दे रहा हूँ वो जो है ना अभी हमको 3 साल के बाद याद ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है ना फिफ्थ और सिक्स ईयर में जो है ना रिविजन करना पड़े। सिक्स ईयर जैसे आपका जो है ना सिक्स ईयर कंप्लीट हो गया मीन्स आप यहाँ से MBBS डिग्री ले लिए, तो एटलीस्ट जो है ना 4 से 5 मंथ ये लेकर चलो, चलो 6 मंथ का जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखो भाई फायर फायर अलार्म बज गया, या तो कोई जो है ना हॉस्टल में अगरबत्ती वगैरह जलाया होगा, नहीं तो कोई नूडल्स वगैरह बना रहा होगा, कुछ ना कुछ लोचा जरूर हुआ है। देखो अभी सिचुएशन, प्लीज लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली। चारों तरफ जो है ना फायर अलार्म लगा हुआ, हल्का सा भी कुछ भी धुआं वगैरह होता है ना बच जाता है। अब देखो अब क्या लोचा है, किस रूम में बजा है अभी जो, और फाइन भी है, इसलिए जो है ना बच के रहे। अगर फायर अलार्म बजता है तो फाइन पता चल जाता है उनको कि कहाँ से बजा है, वहाँ जो है ना रूम नंबर शो करता है। चलिए देखते हैं क्या लोचा है फायर अलार्म का। इमरजेंसी एग्जिट, पहले जब मैं आया था ना फर्स्ट ईयर में तो ये डेली बजता था, सब एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार मैं भी किया था जो फायर अलार्म का जो लगा हुआ उसमें जो है ना मैंने डीओ मारा उस टाइम तो नहीं बजा, 1 मिनट के बाद जो है ना फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद वक्ती और आई बहुत डांटी उस टाइम।
चलिए देखते हैं सही में आग लग गया। सही में तो नहीं लगा होगा आग, बस ऐसे ही जो है ना किसी के रूम में या तो अगरबत्ती का स्मेल होगा, नहीं तो कोई किसी का केटल वगैरह या फिर कोई हीटर वगैरह कुछ ऐसा ही कुछ लोचा हुआ होगा। कभी कभी पता है क्या होता है, किचन में कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाने के टाइम में जो है विंडो वगैरह बंद रहता है, तो किचन में इतना ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है ना किचन पे, किचन में और फ्लोर में, उससे भी जो है ना फायर अलार्म बज जाता है। तो चलिए चल के देखते हैं ना एक्चुअली क्या रीजन है फायर अलार्म बजने का। अभी जो है ना किचन में ही बोला ना, किचन में धुआं वगैरह हो जाता है उसके कारण से बच जाता है, तो अभी किचन के कारण से ही बजा है। लेकिन कभी कभी जो है ना स्टूडेंट लोग भी जो है ना जानबूझकर जो है ना एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में फायर अलार्म बजा देते हैं। जो है ना मेरा 5 ही क्लास है अभी, मैं जस्ट चेक किया ना सही से, एक्चुअली जो है ना 12 क्लास होने वाला था, लेकिन शायद जो है ना अभी जो है ना बाकी क्लास जो है ना, ये अंधेरा आ रहा है इधर से, बाकी क्लास जो है ना शिफ्ट कर दिया गया है नेक्स्ट टाइम, तो अभी जो है ना 5 क्लास ही होगा इस टाइम मेथोलॉजिया का। और अभी वेबसाइट पर भी जो है ना 5 ही टेस्ट ऐड हुआ है और लेक्चर भी 5 ही है, तो अभी 5 ही क्लास होगा इस समय तो लगेगा, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। जो है ना अभी जस्ट पहली बार जो है ना हॉस्टल से बाहर निकला हूँ, आज पूरा दिन हॉस्टल में ही रहा, शाम को सोचा चलो भाई बाहर से जो है ना थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, दिन भर जो है ना वैसे भी हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर थोड़ा लगता है कि चलो घूम के आते हैं बाहर से। फिर बाहर आने के लिए पता क्या, फिर जूता लगाओ, जूता मोजा जैकेट पहनो, तो कोई काम ना हो ना तो आलस भी आता है, क्या ही करे बाहर जाके। तो अभी थोड़ा घूमते हैं यहाँ, 5 मिनट ऐसे ही वॉक वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर हॉस्टल वापस चले जाएंगे। अभी अभी मैं आ गया पेतुरिज का, यहाँ से अभी लेना है कुछ सामान। देखिए इधर अचित है और उधर स्वप्निल, तभी हम लोग बिलिंग कराने के लिए खड़े हैं, लेकिन बिलिंग में अभी काफ़ी टाइम है। क्या अचित, अभी जो है ना शाम का टाइम है तो अभी भीड़ है, खुद से कर ले क्या? इधर एक लगा भी हुआ है काउंटर खुद से करने के लिए, तो खुद से कर लेते हैं क्योंकि अभी जो है ना बहुत भीड़ है अभी उधर बिलिंग काउंटर पर। शाम के टाइम में जो है ना फिर तो रुचके में काफ़ी भीड़ रहता है, जितने भी स्टूडेंट हो सब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लेने आ ही जाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं फिर हॉस्टल, ज़्यादा देर बाहर अब तो रुकना सही नहीं है क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गया है, हॉस्टल जाएंगे तो कुछ पढ़ाई वगैरह करेंगे, बाहर रुके ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए तो बाहर आना पड़ता है। ही चलेगा क्योंकि आप समझ रहे हैं क्लास वगैरह चल रहा है तो सब कुछ ब्लॉग बनाना एडिट करना, मैं तो वैसे उतना एडिट नहीं करता, फास्ट मारता हूँ, आधे घंटे में एडिट वगैरह एडिट के एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अभी मैं पढ़ने नहीं जा रहा, इस टेबल पर बैठने का मतलब पढ़ना ही नहीं होता, अभी ऐसे ही बैठा हूँ, मैं सोचा चलो आज ब्लॉग जो है थोड़ा बैठ के बनाते हैं। तो मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी चलते हैं खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हॉस्टल में फास्टिंग भी करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आधा एक घंटा पढ़ूंगा, फिर सोना पड़ेगा जल्दी क्योंकि कल सुबह फिर 9 बजे से क्लास है। मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।